मुखिया को बोलने को रोक लगा दिया जाता है, पुलिस प्रशासन को जूते के माला पहनाया जाता है। इस दरमियान बिहार सरकार को अपने इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, अगर उनसे बिहार नहीं संभलता है तो। उनके एक विधायक पिस्टल निकाल कर चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद मीडिया उसकी बात को उठाते तो मीडिया को भी बोलने के रोक लगा दी जाती है। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, जिसमें प्रशासन का भी एक्टिव देखने के लिए मिलती है। अभी एक घटना सामने आया है मुजफ्फरपुर पुलिस का, जहां सौ को नदी में फेंकते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस का वीडियो काफी वायरल हो गया है। अभी हमारे साथ बीजेपी के पैनलिस्ट राकेश पोदार जी हैं। एक घटना सामने आया है मुजफ्फरपुर का, जहां सौ को नदी में फेंकते हुए प्रशासन के द्वारा दिखाया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इस बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो नीतीश बाबू की जो सरकार चल रही है, इस घटना के लेके मैं भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा इनका निंदा करती है, और पहले भी मुजफ्फरपुर में बहुत सारी घटना घट चुकी है। इस दरमियान बिहार सरकार को अपने इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, अगर उनसे बिहार नहीं संभलता है तो। उनकी जगह पर किसको आना चाहिए था? आप लोग से संभल जाएगा क्या बिहार? देखिए, ये लोकतंत्र है, जनता 2025 में कैलाशपति जी मिश्र जी का जो सपना है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। आप लोग सपना तो नहीं ना देख रहे हैं? नहीं, सपना क्या देखा, लोकतंत्र है, 13 करोड़ जनता है चुन के हम लोग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी आने वाले समय में। इनके नीतीश बाबू जी से नहीं चलता है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे नहीं चलता है? तकरीबन 15 साल से ज्यादा हो गया बिहार को संभाल के रखे हैं। देखिए, जब हम लोग उनके साथ थे, जब से उधर गए जंगल राज तेजस्वी जी के साथ, राबड़ी जी के साथ, लालू जी के साथ, जाके उनके साथ उनके कुनबे में बैठ के आज बिहार की दशा और दुर्दशा देख रहे हैं क्या हो रही है। अच्छा, जब आप लोग के साथ थे तो मंगल राज था, और अभी महागठबंधन के साथ चले गए तो जंगल राज हो गया। देखिए, आपके सामने आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग को भी बोलने में पाबंदी लगती है। मंडल जी हमारे विधायक जो हैं जेडीयू के, पिस्टल निकाल कर चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद मीडिया उसकी बात को उठाते तो मीडिया को भी बोलने के रोक लगा दी जाती है। अच्छा, मुजफ्फरपुर की घटना पे आप लोग क्या कुछ कहेगा? इस्तीफा तो मांग लिए, इस्तीफा तो मिलेगा नहीं, बाकी आगे आप लोगों का क्या विचार है? हम लोगों का विचार है कि जो जिस व्यक्ति का हुआ उसको मुआवजा मिलना चाहिए, प्रशासन को हटाना चाहिए। किस चीज का मुआवजा मिलना चाहिए? अरे, पुलिस ने उनको उठाकर बाहर फेंकी है, नदी में बहाया है, डेड बॉडी था। अरे, डेड बॉडी था तो उनके परिवार को देना चाहिए ना, उनका संस्कार, अंतिम संस्कार तो होना चाहिए कि आप पानी में फेंक दीजिएगा, नहीं फेंकना चाहिए ना, कम से कम उसके परिवार को देना चाहिए। क्या लोकतंत्र है? एक लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आम जनता के साथ क्या कर रहे हैं? इसमें सरकार की गलती थोड़ी है, प्रशासन की गलती है। सरकार कहाँ कहाँ प्रशासन को देखेगी? आप एक चीज बताइए, मानवता का एक होना चाहिए। देखिए, सरकार 13 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी है कि नहीं है? तो उनका, तो उनका ही प्रशासन है ना, प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है ना, प्रशासन तो उनकी है ना, जिलाधिकारी उनके हैं, पुलिस प्रशासन उनके हैं, उनको देखना चाहिए ना। वो देखे तो कि नदी में बहा दिए, तो बहा दिए तो उनको मुआवजा दीजिए, नहीं अगर उनसे बिहार संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, प्रशासन को हटा देना चाहिए था, सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन सुशासन बाबू की सरकार है, जिसमें वो कहते हुए भी नजर आते हैं कि प्रशासन काफी एक्टिव दिखाई देती है। अब प्रशासन कैसे एक्टिव दिखा दे? सुधाकर सिंह जी ने क्या बोला कि जो जिलाधिकारी हैं उनको जूते के माला पहनाना चाहिए? आरजेडी के विधायक हैं कि नहीं विधायक हैं? उनके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं? आप देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी, जंगल राज की जी बात मैं कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी जो जंगल राज में बोलते थे, आज वही भाषा आज फिर से शुरुआत हो गई है 1-2 सालों में, पहले ऐसी कोई शुरुआत नहीं थी। जंगल राज 2 आ गया क्या बिहार में? आपको देख ही रहा है, जब मीडिया को बोलने को रोक लगा दिया जाता है, पुलिस प्रशासन को जूते के माला पहनाया जाता है, जो विधायक राष्ट्रीय जनता दल के बोलते हैं, और उसके बाद मंडल जी जो विधायक हैं जेडीयू के, वो पिस्टल लेकर अगर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, आम जनता के साथ क्या हो रहा है वो आपको, आपके सामने है। सभी लोगों को बोलने से रोक लगा दिया जाता है, प्रशासन को जूते के माला पहनाया जाता है, तो इससे अगर इनसे बिहार से नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और सपना देखते देश के प्रधानमंत्री की। तो मुजफ्फरपुर घटना चर्चे में है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा एक शव को उठा के नदी में फेंक दिया गया, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, ऐसा कहना है बीजेपी के पैनलिस्ट राकेश पोदार का। लेकिन आपको, आपका क्या राय है मुजफ्फरपुर घटना को लेके, मुजफ्फरपुर प्रशासन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।